हेलो गाइस, आज हम नार्जो 58 का अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं। तो ये है बॉक्स, इसके अंदर मोबाइल है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइस। प्राइस लिखा है 13,999 इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस। मेरे को ये 11,500 का पड़ा है। ये जो वेरिएंट है वो 4 GB 128 GB का है। और अगर आपको ये लेना है आप ऑनलाइन देख सकते हैं, ऑनलाइन भी 11,500-12,000 में है। और अगर आपको ऑफलाइन देखना है तो अगर आप फरीदाबाद रहते हैं तो मैं बोलूँगा एक बार जाकर आप NIT 5 में एक्स्ट्रा सेल्स के नाम से दुकान है, बहुत सही डील्स देते हैं लोग। और अगर आप बताएंगे कि आप ये चैनल से वीडियो देखकर गए टैग दीक्षित के नाम से, तो फिर वो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो गाइज एक बार स्टोर ज़रूर विजिट करें, ठीक है? आप दोबारा से आ जाते हैं हम फ़ोन पे। तो ये नार्जो 50 है, ये इसका बॉक्स है। अगर मैं निकालता हूँ तो यहाँ लिखा हुआ है फील द पावर। अभी देखेंगे हम कितनी पावर है इस फोन में। तो अभी यहाँ पे फोन रखा हुआ है, फोन थोड़ा हैवी टाइप का लग रहा है, साइड रखते हैं। सबसे पहले बॉक्स में देखते हैं और क्या है। हमें मिलता चार्जर है, चार्जर रियलमी, और ये है 18 वाट का चार्जर है गाइस, ठीक है? क्विक चार्जर आप कह सकते हैं, बट ये आपको कम से कम, अभी मैं बताऊंगा कितने घंटे में चार्ज हो कर देगा। टाइप सी यूएसबी केबल है, और कुछ बॉक्स में कुछ खास बचा नहीं है। अब आ जाते हैं फोन के ऊपर। तो ये गाइस इसे मैं ऑन करता हूँ एक बार, ऑन हो रहा है। जब तक हम देख लेते क्या क्या इसमें खास है गाइस। जो इसका बैक साइड का पैटर्न है, ये सबसे पहले ये मेटल नहीं है, प्लास्टिक है ये, ठीक है? इसके जो शेडेड आ रखे वो अच्छे लगते हैं देखने में। और सबसे अलग चीज़ है इसका कैमरा मॉड्यूल का सेटअप गाइस। ये जो इतना दिख रहा है ना यार, ये थोड़ा आई कैची टाइप का है। लाइक अगर आप फोन पे ऐसे बात करेंगे तो बैक साइड जो भी पीछे से आपके फोन को देखेगा उसकी नज़र एक बार ना एक बार जरूर जाएगी इस फोन पे। ये आपका फिंगरप्रिंट सेंसर दे रखा है, ये मेन कैमरा है, और ये मैक्रो और डेप्थ कैमरा है। अभी बात करेंगे हम कैमरा को लेकर। कैमरा फोन ऑन हो गया है। फ्रंट में दे रखा है इन्होंने 8 मेगापिक्सल का कैमरा। हाँ, ऑन सेटिंग पे जाकर एक बार चेक कर लेते हैं फोन के बारे में थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन। नार्जो 50 ए दे रखा है, 11 एंड्रॉयड 11 वर्जन पे बेस्ड है, 4 GB रैम है, प्रोसेसर G85 के साथ आता है। और स्टोरेज जो ऐसे मेरे वाले वेरिएंट की 128 है, आप 64 में भी ले सकते हैं इसे, ठीक है? तो गाइज ये थी इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन। अब बात कर ली जाए तो यहाँ पे वॉल्यूम बटन दे रखे है इसके, यहाँ पे पावर ऑन ऑफ, टाइप सी केबल है, स्पीकर एक साइड है, ये माइक्रोफोन है, ये 3.5 mm जैक है। जो सिम ट्रे है गाइज वो यहाँ पे लगती है। मैं आपको बता दूँ इसमें 2 सिम और एक मेमोरी कार्ड का ऑप्शन दे रखा है, तो आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप एक्सपेंड भी कर सकते हैं, 256 GB तक एक्सपेंड हो जाती है। कैमरे की बात करी जाए गाइज तो मैं कैमरे के कुछ पिक्स ऐड कर देता हूँ, आप देख लीजिएगा गाइज। अगर प्रोसेसर की बात करी जाए तो ये फ़ोन में MediaTek हीलियो G85 प्रोसेसर आता है, G85 गेमिंग प्रोसेसर है एक। आप इसमें स्मूथ गेम खेल सकते हैं, आपको लैगिंग बहुत कम दिखेंगी। और फ़ोन को देखा जाए तो ये सही है, स्मूथ तो है ही। तो आप इसमें आप कह सकते हैं, मैं इतना ही नहीं बोलूँगा कि बहुत तगड़ा प्रोसेसर दे दिया इस प्राइस रेंज में। आपको अदर कंपनी भी ये प्रोसेसर, इससे बेहतर प्रोसेसर थोड़ा प्रोवाइड करते हैं, बट हाँ मैं ये कहूँगा कि ठीक है ये प्रोसेसर, आप इससे अच्छी गेम कर सकते हैं। बात करें गाइस बैटरी की, तो बैटरी इसकी बहुत अच्छी है यार। जो मेन हाईलाइट दे रखा है, आपको इस प्राइस रेंज में सबसे बेस्ट बैटरी बैकअप मिलता है तो वो इस फ़ोन में मिलता है, क्योंकि इसमें 6,000 mAh बैटरी है, जो कि आपको इजीली 2 दिन की, अगर आप लाइट यूज़ करेंगे तो शायद 2.5 दिन भी चल जाए। हैवी यूज़ में 1 डे तो 100% चलना है। तो अभी देखो 35% है, क्योंकि मैंने यार फ़ोन को बिल्कुल भी चार्ज नहीं करा है। तो बैटरी की बात करी जाए तो बहुत सही है बैटरी यार, 2 दिन का इसका मैंने टेस्ट देखे यूट्यूब पर, और मैं भी जल्द एक बार बैटरी टेस्ट लेकर आऊँगा अगर हो सका तो बहुत अच्छा बैटरी, बैटरी में आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी गाइज। ये कुछ कैमरे सैंपल्स है और मैं सच बता रहा हूँ, ये 8 मेगापिक्सल का इसमें फ्रंट कैमरा है जो कि लगता नहीं है, बहुत ही क्लियर फोटोज आई है फ्रंट से।
जैसा आप देख सकते हैं, ये कुछ डे लाइट मोड पे मैंने फोटोज़ लिए ले रही है और बहुत क्लियर आई है इसकी। ये भी एक डे लाइट की पिक्स है। और मैंने अब एक बार HDR मोड ऑन करके लिया, HDR मोड में यार ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं दिखी बट ठीक ठाक था। और ये एक गली की मैंने अपनी फ़ोटो ली है, ये सिंपल है। और ये देखो मैंने एक 50 मेगापिक्सल ऑन करके इसका सेंसर जो है ऑन करके लिया है। ये कुछ सैंपल्स है और ये डॉगी की एक फ़ोटो ले ली मैंने गाइस, क्यूट सा लग रहा था। और साथ में मैंने सोचा अब ले ही रहे तो एक रैबिट की भी ले ही ली जाए फ़ोटो, तो ये मैंने अटैच कर दिया है गाइस। इसमें जो ग्रीनरी प्लांट की जो फ़ोटोज़ है ये बहुत ज़्यादा ग्रीन दिखा देता है, एक्स्ट्रा ही ग्रीन है। ये कुछ और फ़ोटोज़ है, ये मेरी फ़ोटो है। और मतलब फ़ोटो में यार एक चीज़ बताऊँ आपको, पोर्ट्रेट में भी ठीक ठाक है, ये सही कर लेता है। बात करते हैं यार डिस्प्ले की, यार इस प्राइस रेंज में इन्होंने HD प्लस की डिस्प्ले दिया है, जो कि एक मैं बोलूँगा मैं इस वजह से सैड हूँ क्योंकि यार इस कंपनी को कम से कम फुल HD डिस्प्ले देनी चाहिए थी या 90 Hz का रिफ्रेश रेट देना चाहिए था, जो कि कंपनी ने नहीं दिया इस चीज़ में। तो यार डिस्प्ले आपको मैं बोलूँगा, देखो इंडोर लाइट में तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी, बट अगर आप हैवी यूज़र हैं और बाहर ज़्यादातर ट्रैवल करते रहते हैं तो मैं बोलूँगा आपको कहीं ना कहीं यार इसकी ब्राइटनेस को लेकर रेजोल्यूशन को लेकर प्रॉब्लम आएगी। आप डिस्प्ले देख लीजिए, बट मुझे कुछ ख़ास इसकी डिस्प्ले पसंद नहीं आई है इस प्राइस रेंज में। गाइस तो मैंने आपको सारे चीज़ कवर कर दी है इस वीडियो में। ओवरऑल देखा जाए तो यार ये एक अच्छा फ़ोन है। आप अगर आपको बैटरी के मकसद से लेना है, आप हैवी यूज़र हैं, आप चाहते हैं कि एक दिन में बस एक बार चार्ज करूं मुश्किल से, तो ये आपके लिए फ़ोन ज़रूर है। अगर आप गेम वेम खेलना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर बात करी जाए यार ओवरऑल हमें इस प्राइस रेंज में कोई और फ़ोन भी मिलते हैं तो ज़रूर बहुत सारे मॉडल हैं, इन्फिनिक्स, हॉट 10S भी है, अदर रियलमी के भी फ़ोन हैं जो कि इस प्राइस रेंज में थोड़े सही है, बट ये कि हाँ इतना बुरा भी नहीं है ये और ना इतना अच्छा है। मैं बोलूँगा एक डिसेंट सा फ़ोन लगा मेरे को इस प्राइस रेंज में। एक बार आप अगर आपको लेना है तो आप ऑनलाइन तो चेक कर ही सकते हैं, बट ये रहता है कि ऑफलाइन में जाकर आप खुद यूज़ कर सकते हैं। तो आप एक बार अगर फरीदाबाद में रहते हैं, मैं ज़रूर बोलूँगा एक बार ज़रूर एक्स्ट्रा सेल्स में विज़िट करें, आपको वहाँ पे बहुत सारे फ़ोन और बहुत सारी डील्स देखने को मिल जाएगी। दिवाली आ रहा है तो शायद से उन्होंने कुछ ना कुछ ऑफर निकालते रहते हैं वो लोग। तो यही थी मेरी अनबॉक्सिंग गाइस, अगर आपको अच्छी लगी हो तो बताना और लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना। मैं इसके ऊपर रिव्यू लेके आऊँगा 7 दिनों बाद कि मेरे को ये फ़ोन ओवरऑल कैसा लगा। अब मैं इसे प्राइमरी फ़ोन बनाकर देखूँगा क्या इसमें कमी और क्या नहीं है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।